सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आप। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय। विशेष तौर पे हम अगस्त के मध्यकाल के बारे में इन भविष्यवाणी को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि ग्रहगण आपकी राशि के अनुसार से मीन राशि वालों के लिए कैसे योग बना रहे हैं। देखिए, मीन राशि वालों एक बात को समझें कि इस जो अगस्त के मध्यकाल में तीन तीन चार चार ग्रहों का परिवर्तन होने के योग हैं। सूर्य आपकी राशि के अनुसार से पंचम भाव से निकलकर आपके छठे भाव में जाएंगे, स्वग्रही हैं छठे भाव में जाकर, और ऐसे में छठे भाव रिपु स्थान पर स्वग्रही होकर सूर्य का जाना एक विशेष योग है। बहुत ज़्यादा एक महीने तक ये योग बनने वाला है और ऐसे में रिपुओं से शत्रुओं से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ शुक्र का उदय होने जा रहा है और शुक्र आपके विशेष तौर पर कर्क राशि में चल रहे हैं, पंचम भाव में चल रहे हैं, ये आपके लिए उन्नतिकारक योग बनाने वाले हैं। कुछ खास क्षेत्रों से आपको बहुत बढ़िया लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, फेम के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। वाणी के द्वारा बहुत सारी चीज़ों में, बुद्धि के द्वारा बहुत सारी चीज़ों में आपको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त। जमीन जायदाद के संबंध में भी कुछ अपॉर्चुनिटीज अच्छे लाने के योग बना सकते हैं। ये शुक्र का प्रभाव इस प्रकार का रहेगा। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो मंगल का परिवर्तन भी होने जा रहा है और मंगल आपकी राशि के अनुसार से आपके सप्तम भाव युद्ध भाव में आ रहे हैं और शनि के साथ षडाष्टक योग बन जाएगा इनका। ये विशेष तौर पर आपको समझने की ज़रूरत है। मंगल यहाँ कई प्रकार के क्लैशेस उत्पन्न कर सकते हैं लेकिन कई प्रकार के रास्ते भी आपको बता सकते हैं आपके लिए, जो आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी बन सकती हैं। तो ये बहुत जो समय है आपके लिए, हम बताने जा रहे हैं कि जो अगस्त का मध्यकाल जो है ये दोधारी तलवार की तरह है। बड़ी सावधानी से चलने की ज़रूरत है। हल्की सी गलती, हल्के से कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली कहीं आप गलत हुए तो आप फंस जाएंगे। सदाचरण के कारण से, सत्यनिष्ठा के कारण से, आपके सही रास्ते को चलने से, न्यायुक्त रास्ते को चुनने से आपके लिए ये कहीं ना कहीं क्लैश उत्पन्न कर सकता है। इसलिए अपने आप समय को आपको बहुत सावधानी के साथ चलना है। आपके कुछ ना करने पर भी आपने सही कार्य किया तब भी लोग आप पर दोषारोपण कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि सूर्य कीर्ति के स्वामी हैं, वो छठे भाव में है, आपके शत्रुओं के, आपके विपक्षी पक्ष के साथ योग बना रहे हैं। मंगल वहाँ पर आपको झटका देने के योग बना रहे हैं, लेकिन यदि आप शुक्र की नीति को उपयोग कर लेंगे, बुद्धि को शुक्र क्योंकि चल रहे हैं, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से इस मंगल को यूटिलाइज कर सकते हैं, सूर्य के अशुभ प्रभाव को शुभ में परिवर्तित कर सकते हैं। ये एक अलग से वीडियो भी रहेगा इसके लिए, लेकिन दिन पर दिन कैसा रहेगा ग्रहों का प्रभाव वो आपको अवश्य समझना चाहिए। यदि हम बात करें सबसे पहले 11 अगस्त की, तो 11 अगस्त को ग्रहों का योगायोग और पंचांग ये कहता है कि शुक्रवार का दिन सावन के अधिक मास की एकादशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और साथ साथ वृद्धा तिथि हो गई है, अगले दिन भी रहेगी वो तिथि। तो एकादशी का पुण्य 2 दिन का है। मुख्य पुण्य कई वैष्णव संप्रदाय के अनुसार से अगले दिन, जिस दिन वृद्धा और द्वादशी के साथ मिलकर आएगी उस दिन रहेगा, लेकिन एकादशी दोनों दिन विद्यमान है। पुरुषोत्तम एकादशी कहा जाता है इस तिथि को और ये ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। कई प्रकार से आगे बढ़ने के योग बनेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आज का दिन आपके लिए ऐसा है कि आपको अपने लिए उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे लोग आपके सद्भावना को उपयोग करते हुए, आपके सीधेपन को उपयोग करते हुए अपने लिए उस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं और ऐसे में आपका सही समय, अच्छा समय जो है वो दूसरों को लाभ दे सकता है, आपको लाभ नहीं देगा। तो इसलिए कोशिश करें अपने लिए, अपने कार्यों में थोड़ा ध्यान देने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। एकादशी की तिथि है, आप चावल का सेवन न करें, भगवान विष्णु की उपासना करें, भगवान विष्णु का को तुलसी दल अर्पित करें, यह आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। द्वादशी तिथि के लिए हम जान लेते हैं क्या उपाय करने चाहिए, कैसा रहेगा समय। शनिवार का अवसर और शुक्ल कृष्ण पक्ष की अधिक मास की एकादशी और द्वादशी का सुंदर योग और ऐसे में ग्रह आपके अनुकूल है, आगे बढ़ने के अवसर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अच्छी रहेंगी और आगे साथ साथ आपको बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। समय आपके लिए लाभ देने की स्थिति दिखा रहा है, इसलिए आपको आगे बढ़ते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी लेने का टाइम है, आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का टाइम है। यदि आपको कार्य करना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो आगे बढ़िए और जिम्मेदारी को संभालने का प्रयास कीजिए, तो आपके लिए समय अच्छा हो सकता है। शनिवार का अवसर है तो ऐसे में देखिए एकादशी की तिथि पड़ गई है और शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से जहाँ चल रहे हैं, आप समझ लीजिए आपको एक बैलेंस मात्रा में दे रहे हैं लेकिन फिर भी नुकसान कराने के योग दे ही रहे हैं लगातार। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, बहुत सुंदर तिथि है, इसका उपाय हम आपको बता रहे हैं, अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। गंगा जल में थोड़े तिल लेकर उसके द्वारा भगवान विष्णु का को अर्पित करें,
भगवान विष्णु का ओम नमो नारायणा इस मंत्र का जप करते हुए या सहस्र या पुरुष सूक्त जो भगवान का प्रियतम स्तोत्र है जो इस प्रकार से है, ओम सहस्रशी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभोमिक वंग सर्वतत्वात्र तिष्ठत सांगोलम पुरुख एवे, ये भगवान विष्णु का स्तोत्र है जो 16 मंत्रों का है। पहला मंत्र हमने आपके समक्ष उपस्थित किया, इसका स्तवन करते हुए इसका श्रवण करते हुए भगवान का पूजन करें। देखिए बहुत सुंदरदायक अवसर होगा, आपको कल्याणकारी योग बनेंगे, शनि भी आपके अनुकूल हो जाएंगे। तिल का संबंध भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुआ कहा जाता है तिल, और साथ साथ भगवान विष्णु को तिल चावल नहीं तिल अर्पित किए जाते हैं, तिल से ही भगवान का पूजन किया जाता है, और तिल का संबंध शनि के साथ भी है। तो इस बात का ध्यान रखें, शनिवार का अवसर ये सुंदर उपाय आपको बहुत सुंदर लाभ देगा। 13 तारीख की हम बात करें, 13 तारीख 13 अगस्त को रविवार का अवसर है, द्वादशी और त्रयोदशी का योग है और प्रदोष तिथि है उस दिन। ये प्रदोष तिथि बहुत सुंदर तिथि मानी जाती है, समस्त कष्टों को हरने वाली तिथि मानी जाती है। कहा जाता है कि हमारे द्वारा जीवन में कर्म करते हुए चलते हुए कई प्रकार के दोष लग जाते हैं, उन समस्त दोषों के निवृत्ति के लिए त्रयोदशी तिथि जो है प्रदोष जो तिथि है प्रशस्त कही गई है, समस्त दोषों को हरने वाली। दोषों को हरा कैसे जाता है, जब हमारे द्वारा पुण्य कार्य अच्छे कार्य होते हैं तो हमारे पुण्य बढ़ जाते हैं और हमारे जीवन में सुख का पदार्पण होने लगता है, लेकिन कई कर्म यदि अशुभ हो जाते हैं तो उससे पुण्यों का क्षय हो जाता है, उनका दोष लगता है। उन दोषों को हरने का है तिथि प्रदोष, समस्त दोषों को हरने वाली तिथि कहा जाता है कि इस तिथि में भगवान शंकर पार्वती जी के साथ पूरे संसार का भ्रमण करते हैं उस प्रदोष काल में, शाम के समय में सूर्यास्त के बाद करीब करीब 2 घड़ी तक, और जो ऐसे में भगवान का स्तवन करते हैं पूजन करते हैं तो उनके समस्त कष्ट हर जाते हैं। हमने भी इस प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त का अधिक मास में पड़ने वाले अंतिम प्रदोष का इसका लाभ लेते हुए सावन के महीने में जो पड़ा है हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर तरीके से रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है, और उसमें तिलोदक के द्वारा भगवान का सुंदर अभिषेक किया जाएगा। ऐसे में आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। रवि प्रदोष है, कीर्ति में बढ़ाने वाला योग, कीर्ति को रवि प्रदोष यानी शास्त्र में कहा गया है कि जो सूर्य के पल प्रभाव को बढ़ा दे, कीर्ति को बढ़ा दे, आपके सेलिब्रिटी स्टेटस को प्राप्त करा दे। कई बार क्या होता है हम कार्य करते हैं उसका हमको जो वास्तविक तौर पे उसका प्रभाव मिलता ही नहीं है, उसका लाभ हमें मिलता ही नहीं है, उसका जो कीर्ति है हमको मिल ही नहीं पाती है। तो ऐसे में कीर्ति को बढ़ाने के लिए, सेलिब्रिटीज़ को अपना स्टेटस दिलवाने के लिए, साथ साथ आपके कर्म का फल पूरी तरह से आपको शुभ फल प्राप्त हो उसके लिए ये तिथि बड़ी प्रशस्त है। तो इस उपाय को कर आप लाभ ले सकते हैं। 14 तारीख की यदि बात करें तो उस दिन तिथि बहुत श्रेष्ठ तिथि है, सोमवार का अवसर है और उस दिन त्रयोदशी उदय तिथि के रूप में विद्यमान है, सावन के अधिक मास का आखिरी सोमवार है और चंद्रमा का परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं, और चंद्रमा का परिवर्तन आपके लिए बड़ा शुभ सूचना लेके आया है, आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे और आप निर्द्वंद भाव से अपने कार्यों को यदि करते रहेंगे तो आगे बढ़ने की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से विद्यमान होगी। जैसा हमने कहा कि सावन का सोमवार अधिक मास का आखिरी सोमवार, साथ में शिवरात्रि का पर्व भी है, अधिक मास की शिवरात्रि, सब अधिक 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 ही है, अधिक पुण्यों को बढ़ाने का समय। तो आप भी जिस विवेकानंद योगाश्रम में लगातार अनुष्ठान चल रहा है और इस दिन तो बड़ा विशेष भगवान शिव के बड़े बहुत भारी बड़े शिवलिंग जो सौराष्ट्र में विद्यमान है शिवलिंग, इसी प्रकार का बड़ा विशाल शिवलिंग हमारे विवेकानंद योगाश्रम में सदगुरु आचार्य श्री केशवदेव जी के सानिध्य में प्रतिष्ठित किया गया था और आज भी नित्य प्रति उनका रुद्राभिषेक चलता है। आप भी इस सुंदर अनुष्ठान में स्वयं भाग ले सकते हैं, अपने प्रतिनिधित्व के तौर पर ब्राह्मणों के द्वारा भाग ले सकते हैं, अपने स्थान को आरक्षित कराएं और जहां भी हैं तो सुंदर तरीके से इसको आप हमारे आचार्यवाणी फेस पेज पर जाकर लाइक भी कर सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, भद्रा विद्यमान रहेगी इस दिन सुबह 10:26 से, तो नए कार्यों को आरंभ करने का समय उससे पहले रहेगा। सुबह 10:26 के बाद नए कार्यों को लेने से बचें, नए ऑफर्स को हाथ में लेने से बचें, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से बचें, अन्यथा बाद में जाकर व्यवधान उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। वहीं 15 अगस्त की हम बात करें तो 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं उसकी, और साथ साथ मंगलवार की तिथि है और उस दिन जो योग बन रहा है सावन का आखिरी चतुर्दशी का योग है, सावन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, और इस दिन मंगलवार का अवसर है। और साथ साथ एक बात का ध्यान रखें, गंडमूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा दोपहर को 1:59 के आसपास से, 3 दिन तक योग चलेगा, 15 तारीख को मध्याह्न के बाद, 16 को पूरा दिन, 17 को आधे दिन। तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई जातक जन्म यदि जिन घरों में ले रहा है तो विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा मीन राशि वालों कि यदि आपके घर में कोई नया जातक जन्म ले रहा है तो उसकी मूल शांति अवश्य कराइएगा, अन्यथा वह स्वयं के लिए और बालक के लिए दोनों के लिए भारी रहेगा। 27,000 जप
त्रंबक मंत्र का होना चाहिए। 27 दिन तक जब वो घूम के अगले दिन नक्षत्र में आए तो ये अश्लेषा और मघा नाम के दो नक्षत्र विद्यमान रहेंगे इन 48 घंटों में, तो ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए आपको। ऐसे में मंगलवार का अवसर पड़ रहा है, ग्रहों का योगायोग आपके लिए आगे बढ़ने के लिए प्रशस्त रास्ता बना रहा है, तो आप यदि अपने आप को तटस्थ रहकर काम करेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके समक्ष आने के योग बनेंगे और बहुत सारी नई ऑफर्स आपको प्राप्त हो सकती हैं, बहुत सारे बाहर के कार्य आपको नए रास्ते बनने के योग दिखाई देते हैं, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य का आपको करने का प्रयास करना चाहिए तो आपके लिए अनुकूल रहेगा। विवेकानंद योगाश्रम में हमने इस शुभ तिथि पर बड़ा हनुमान जी की आराधना के लिए और शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक और सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा है जो शाम को 6 बजे से आरंभ होगा और करीब करीब रात में भंडारे के बाद 10 बजे तक समाप्त होगा, तो आप सब लोग भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, तन मन धन से इसमें भाग ले सकते हैं, स्वयं आकर भगवान के स्तवन कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाएगा, मनोकामना सिद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। 16 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर है, अमावस्या तिथि है, अधिक मास की अमावस्या, सावन के पड़ने वाले अधिक मास की अमावस्या, पितरों को प्रसन्न करने का अवसर, पितरों का आशीर्वाद देने का अवसर, ये शास्त्र में के अनुसार से 2.5 साल बाद ये योग बनता है, और ऐसे में तो सावन के महीने में तो बहुत ही अनादिकाल बाद ये योग बना है, बहुत सारे लंबे समय बाद योग बना है, तो ऐसे में कोशिश करें अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका ऋण से निवृत्ति करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गऊ को ग्रास निकालें, श्वान के लिए रोटी निकालें और चींटियों के लिए रोटी निकालें, साथ साथ काक के लिए कौवे के लिए रोटी निकाल दीजिए, ये बलि विशेष तौर पर जो बलि विश्वदेव यज्ञ कहा जाता है उसको करने का शास्त्र में विधान बताया जाए तो अवश्य करने का प्रयास कीजिए। दिन आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है, ग्रह आपके लिए अनुकूल हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके समक्ष आ सकती हैं, आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन शाम का ध्यान रखिएगा, शाम के समय तो विशेष तौर पर चंद्रमा का परिवर्तन आपके लिए स्वास्थ्य पर भारी पड़ने के योग दे रहा है, तो उसके निमित्त महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, दूध का दान करें, शिव का दूध से अभिषेक करें। 17 तारीख को ग्रहों की गणना दिखाती है, गुरुवार का अवसर और साथ साथ प्रतिपदा तिथि और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा रहेगी, साथ साथ सिंह की संक्रांति हो रही है, ये संक्रांति विशेष तौर पर आपके लिए थोड़ी भारी पड़ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे में आपके छाते का दान करना चाहिए, ऐसे में आपको जूतों का दान करना चाहिए, चरण पादुकाओं का दान करना चाहिए, ऐसे में विशेष तौर पर काली उड़द का दान करना चाहिए, ये सब चीज़ों को दान करके आप अपने कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। हम अलग से एक वीडियो उपस्थित करेंगे इसके लिए कि सिंह की संक्रांति मीन राशि वालों के लिए क्या कुछ फल प्रभाव उत्पन्न करने वाली, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। स्वास्थ्य के लिए समय थोड़ा सा भारी रहेगा, तो जिस रास्ते पर भी चलें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें, थोड़े से आपके कॉम्पिटिटर्स थोड़ा सा परेशान करने के योग दे सकते हैं, ऐसे में जिन उपायों को बताया है उनको करिए, आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। भगवान सूर्य के निमित्त ओम घनी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप दें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, थोड़ा दूध के द्वारा अर्घ दीजिए, आपकी राशि के अनुसार से अच्छा रहेगा, थोड़ा सा हल्दी डालकर जल में वो भी केसर दे सकते हैं अर्घ, वो भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 18 तारीख को ग्रहों की गणना दिखाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिवस है, द्वितीया है, उस दिन कई कई ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं और चंद्रमा भी उदय होने जा रहे हैं, चंद्रमा का दर्शन होगा उस दिन, और ये ग्रहों का योगायोग दिखाता है आपके लिए चंद्रमा बहुत आपके लिए क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। मंगल जो है वो कन्या राशि में जा रहे हैं, आपके सप्तम भाव में रहेंगे और ये आपके लिए कई सारी अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, कई सारे बड़े व्यक्तियों से आपकी मुलाकात करा सकते हैं, लेकिन कई जगह आपको फंसवा भी सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा सीधी तरीके से काम करने से कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। शुक्र उदय होने जा रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा है, बुद्धि में बैठे हैं शुक्र, वो उदय होकर आपके लिए सही रास्ता अपना सकते हैं, यानी अगर आप चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए कार्य करेंगे और सीधा सीधे तरीके से आपको रास्ता नहीं बनने वाला है, थोड़ा सा उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, तब जाके अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ आपको मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखने के प्रयास कीजिएगा। एक बात आपको और बता देते हैं, सिंह विशेष तौर पर मीन राशि वालों, इस दिन चंद्रमा का उदय होगा, चंद्रमा इस जार जो है वो श्रृंगी दोनों बराबर रहेंगी, जो चंद्रमा इस प्रकार से उदय होंगे, आमतौर पर ऐसे भी होते हैं, हर तरह से दक्षिण और अनेक प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करते हैं, और ये चंद्रमा लालिमा युक्त रहेंगे इस बार, और ये लालिमा युक्त चंद्रमा जो आपकी राशि के अनुसार से उदय हो रहे हैं, थोड़ा मन में भय उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं, मन में कई आशंकाएं आपको दे सकते हैं। मंगल वैसे ही परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, जो आपके लिए विकार के झगड़ों में आपको फंसाने का योग दे सकते हैं, तो ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा, आपको झगड़ों से बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, मन में हर बात पर कुटकुट कुटकुट होती रहेगी, तो ऐसे में आपको कुछ खास उपाय करने का प्रयास करना चाहिए, गुरुजन की सेवा करें, गऊ के निमित्त घास इत्यादि, हरी घास, ज्वार इत्यादि खिलाएं, मक्का खिलाएं, ये सारे उपाय कर आप कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। 19 अगस्त की यदि बात करें तो 19 को शनिवार का अवसर है, तृतीया तिथि है और हरियाली तीज है और ग्रहों का योग परिवर्तन के योग दे रहा है और ये परिवर्तन का योग आपके लिए सुबह सुबह सूर्योदय से पहले लाभ के संकेत लेकर आएगा और अपॉर्चुनिटीज से भरा रहेगा, समय आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं।
और जिस प्रकार से चंद्रमा का परिवर्तन हुआ है, मंगल के साथ जाने के योग बनाएंगे और साथ साथ आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर अपॉर्चुनिटीज़ बनते दिखाई दे रहे हैं, तो इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। और शक्ति प्राप्त करने के लिए कैसे शक्ति प्राप्त होगी, तो एक उपाय हम आपको बताने जा, हरियाली तीज है, मधुश्रवा तीज बोली जाती है, ऐसे में अपने आप अंदर विचारों में परिवर्तन लाने के लिए, उत्साह जगाने के लिए भगवान शंकर और पार्वती जी का शहद के द्वारा अभिषेक किया जाता है। ये आपके लिए आगे मनोमस्तिष्क में पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बनाएगा। 20 तारीख की यदि हम ग्रहों की गणना बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर रहेगा, चतुर्थी तिथि विद्यमान रहेगी और साथ साथ भद्रा भी रहेगी, 11:24 से भद्रा भी आ जाएगी, तो रिक्ता तिथि ऊपर से भद्रा का योग, तो नए कार्यों के लिए तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। फिर भी ग्रह आपके अनुकूल है, जो रूटीन में काम कर रहे हैं उनमें आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देंगे, लाभ के रास्ते बनेंगे, आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। गणेश जी का ध्यान करते हुए, गणेश चतुर्थी है उस दिन, भगवान गणेश का ध्यान करते हुए उनको पीले पुष्प अर्पित करते हुए कार्य को आरंभ करें। ग्रहों की गणना से आपके लिए कैसा रहेगा समय, ये आपने जाना। इसके साथ साथ और भी क्या कुछ चल रहा है आपके भाग्य में, ये तो रूटीन भाग्य है आपका, तिथि के अनुसार से, राशि के अनुसार से हम बताते हैं, लेकिन आपकी अपनी राशि में, अपने जन्मपत्र में कौन सी दशा चल रही है, बहुत सारा मैटर उस पे करता है। ये 12 राशियों तो हैं ही हैं, लेकिन आपकी कुंडली के अनुसार से जो ग्रह हैं वो आपके लिए क्या करने जा रहे हैं, उसके लिए आप स्वयं का भाग्य जानने के लिए आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं और हमारे से संपर्क साध कर अपने भाग्य को आगे समझने का रास्ता बना सकते हैं। धन्यवाद।